हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रिशु चला गया है स्कूल, उसको टिफिन बनाकर दे दी। वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई, डेली क्या ही दिखाने का। जा रही हूँ, आँख भी ऐसे ही चढ़ा हुआ है क्योंकि रात 12 बजे तक इंतजार की मंदिर में जाने के लिए, पर बारिश ऐसा हुआ कि कोई गया ही नहीं मंदिर। मैं हम लोग भी अपने यहाँ से बेडरूम से ही सब मंदिर दिखता है, यहीं से हाथ जोड़ लिए भगवान को। अभी जा रही हूँ, आज ऐसे भी सैटरडे है तो जाना ही है, आज थोड़ा जल्दी जाना है सुबह, तो वही जा रही हूँ। मौसम भी बहुत प्यारा है, आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम। देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। ये तो सुबह का टाइम है, इसमें भी बारिश का जो बारिश होती है सुबह वाला बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा कितना गंदा हो गया कल के बारिश से। अब जा रही हूँ पानी पीकर, पहले साफ करूँगी उसके बाद से ना। चलिए, मेरा गर्म पानी हो चुका है, मैं निकाल के रखी थी, पी लेती हूँ। पीने के बाद से आप लोग से मिलती हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सुबह का टाइम है तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं पहले कॉफ़ी या चाय ज़्यादा खाली पेट लेती थी तो मुझे गैस का प्रॉब्लम होने लगा। तो अभी मैं रेड चाय बना रही हूँ। इसमें अजवाइन है, तुलसी पत्ता है, थोड़ा सा चाय पत्ती है और गुड़ है, वो डालकर हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही पीते हैं चाय। वो कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। वहाँ से जो बारिश हुई थी तो मेरा देखिए अड़हुल का फूल है, इतना अच्छा इसमें से दो फूल खिला हुआ है। वो नींबू का झाड़ है, उसमें भी आया है, कड़ी पत्ता है, ये तो तुलसी जी का झाड़ है। ये तुलसी, दोनों तुलसी जी को पूजा करती हूँ, इसमें से चाय के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए रखी हूँ। मैं सीधे बालकनी में, क्योंकि एकदम पूरा झाड़ से मिट्टी में गिरता है पानी जब बारिश होती है तो एकदम गंदा हो जाता है। मैं यहीं सुबह शाम यहीं बैठी रहती हूँ, मेरा सारा काम यहीं बैठ कर करती हूँ मैं। इसके वजह से मैं पहले ये साफ़ करूँगी, उसके बाद से मैं तुरंत नहाने निकल जाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना, क्योंकि एकदम ग्रीन है, पूरा झाड़ ग्रीन ग्रीन है। अभी बारिश का मौसम है तो पूरा आजू बाजू सब दिखता है, अच्छा लगता है। ऊपर से देख रही हूँ कभी कभी एसी का पानी टपकता रहता है, तो वही ज़्यादा होगा तो कंप्लेन करूँगी, पर नहीं, वो लोग पाइप हटा लिए हैं क्योंकि सबको प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, पाइप से पानी गिरता है तो बालकनी भी गंदा हो जाता है, पूरा झाड़ भी गंदा हो जाता है। वहाँ से मैं नहा कर मैं तुरंत अभी अपना पूजा कर चुकी हूँ, अभी घर पे पूजा कर चुकी हूँ, अभी निकल रही हूँ मंदिर। आज ऐसे भी है सैटरडे, तो चलिए मैं मंदिर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो फिर मैं अभी शंकर भगवान के मंदिर में गई हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान के मैं नहीं गई थी, बारिश हो रही थी इसके लिए कोई नहीं गया था मंदिर में। फिर भी हम थोड़ा सा अपने घर के टेरिस है, हम वहीं से छतरी लेकर भगवान को जन्माष्टमी का सब मतलब जन्मनम देखे आरती तक खड़े थे वहीं पे, तो वहीं जाकर हम भगवान सुबह प्रसाद लिए। ऐसे तो व्रत नहीं, कोई व्रत नहीं था मेरे घर में, क्योंकि लेडीज़ तो करती नहीं है। जेंट्स भी, इनको मैं बोली तो ये बोले कि दवा खाना है, छोड़ दो, अगले साल से करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चे छोटे ही हैं। अब वही मैं पूजा उजा मैं वही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि प्रसाद मंगवा कर मैं भी रखी थी। अब ये छठी तक यहीं रहेंगे, हो सकता है छठी में अगर बारिश नहीं होगी तो जाएंगे ज़रूर। तो ये सब भगवान वहाँ पे दुर्गा, ये सब भगवान हैं वहाँ पे। तो अब घर के बाजू में ही मंदिर है, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। तो यानी चलो वहाँ पर भगवान के से प्रसाद भी ले लेंगे, क्योंकि प्रसाद भी लेना बहुत ज़रूरी था। हम वहाँ से देखिए, मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सूरत, अब वहाँ से जैसे आए बच्चे घेर लिए, क्योंकि मंदिर के बाहर सब बच्चे रहते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ये ले लिया है सूट। पूजा करके घर पे वापस आ गए हैं मंदिर से। चलिए खाना खाकर मिलती हूँ, रोटी है, मेटे की सब्जी है। पूजा करके आने के बाद मैं खाना खाकर अभी थोड़ी देर के बाद 5-10-15 मिनट बाद मैं किचन में आ रही हूँ। आज मुझे बनाना है मिर्ची और प्याज की सब्जी, जबकि आज सैटरडे है तो मूंग दाल डाल के खिचड़ी बना दी, तो वो नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद से फिर रोटी भी बना था, सब्जी, तो जिसको जो खाना था खाकर बर्तन पड़ा हुआ है। अब मुझे धोना है, इसके लिए मैं उनको कहीं जाना भी है, इसके वजह से मैं फटाफट अपना
काम कर रही हूँ। चावल चावल भी बन रहा है साथ में और मिर्ची की सब्जी भी। मैं जैसे मंदिर गई तो मैं भिंडी कट करके रख कर गई थी, तो भिंडी की सब्जी जैसे आई घर पे तो बना चुके थे, तो मेरा अभी ये बना लेती हूँ, लेती हूँ अपनी मेरी किचन है, किचन में ही हूँ, तो बने रही है हमारे वीडियो। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि भिंडी के सब्जी उब्जी मेरे हस्बैंड, मैं जैसे पूजा करने गई तो भिंडी कट करके रख कर गई थी तो बना दिए थे, और दाल भी बेटी बना दी थी और रोटी। मैं पूजा सिर्फ करके आई हूँ तो अपना नाश्ता पानी करके मैं भी मिर्ची और प्याज और आम के अचार डालकर सब्जी बनाना था, उनको बहुत पसंद है तो सब बना रही हूँ, और साथ साथ में बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो भी काम हो जाएगा, फिर सिला पुलाव सारा साफ़ की, क्योंकि पता ही है जेंट्स लोग अगर करते हैं तो पूरा ये फैला देते हैं, बच्चे से भी नहीं होता है। तो सरसों जो पीला वाला जो राई होता है उसी को पीस कर मैं अभी भूज रही हूँ मसाला पूरा, अगर जब तक तेल नहीं निकलता है तब तक भूनते ही रहना है, तो मेरा हो गया है पूरा फाइनल। तो फिर थोड़ा ही बर्तन था तो फिर मैं बर्तन के पास चली गई कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, कि फटाफट रात को सोई नहीं थी, फिर सुबह उठना था रिशु के लिए टिफ़िन बनाने के लिए, तो उनका तो टिफ़िन उफिन बना कर देकर फिर जाकर मैं आधा घंटा सोई थी, उनको कहीं जाना था। अब यहाँ पे मैं खाना लगा दी हूँ जबकि मूंग दाल की खिचड़ी सैटरडे था। यारो दोस्ती मेरी शुतिवारी, मेरा नया सिंगर, मेरी शुतिवारी को वोट करो। चलिए चाय पी रही हूँ, बच्चा रिशु आया स्कूल से, उसने 3 बजे फिर खाना खिलाकर सोई क्योंकि रात को जागरण था इसके लिए सो नहीं पा रही थी, तो रिशु आया उसको खाना खिलाकर मैं सुला दी। अपने मैं अपना चाय नाश्ता कर रही हूँ, तो चलिए चाय नाश्ता करके मिलती हूँ। रात के खाना मैं बनाऊँगी, आज है सैटरडे तो वही बनेगा, सत्तू पराठा बनाएंगे। जल देना अति जाना है बत्ती लगाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से देखती हूँ जा पा रही हूँ या नहीं, बने रही है हमारी वीडियो। गई थी मैं झाड़ लेने के लिए क्योंकि आज सैटरडे है, तो वहाँ पे बत्ती लगाने गई, फिर बत्ती लगाकर मैं तुरंत गई झाड़ लेने के लिए। मुझे शमी का झाड़ लेना था क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि शनिवार को ही झाड़ लगाना चाहिए नहा धोवा कर, तो अभी नहा कर फिर मैं झाड़ लगाऊंगी शमी का, फिर उनका पूजा करूंगी। दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या लेकर आई हूँ। ये फिर से कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ क्योंकि वो कड़ी पत्ता में जानी नहीं है, और ये शमी की झाड़ है, इधर एक केला की झाड़ है, आइए हैप्पीनेस की है, एक अपने घर के लिए बेडरूम हॉल के लिए लेकर आई हूँ ये वाला झाड़। तो आज तो इतना ही मेरा हुआ, अभी जा रही हूँ सत्तू पराठा बनाने, कंदा उंदा काट कर रख दी हूँ, कांडा हाँ कहा नहीं प्याज वाज काट के मैं रख कर गई थी, ये आकर फटाफट कर लूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच जाए, वो ज़रूर दबाइएगा।